गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ई आर डॉट एम टेस क्लासेस में हम सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। हमारे चैनल या आपके अपने चैनल ई आर डॉट एम टेस क्लासेस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का लाभ उठा सकें। आप नोटिफिकेशन आप आइकन ब्लैक जो रेड कलर की उसको आप जरूर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, कांच बालू या ग्लास सैंड से मुख्यतः उपस्थित रहता है, इसमें सिलिका की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, 80 से लेकर 90% तक जिसमें मात्रा होती है वो सिलिका की होती है। अब जब बात करते हैं कांच बालू की, तो इसके अंदर क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे से, किसके, ग्लास के क्रिस्टल होते हैं, कांच के टुकड़े होते हैं, ठीक। तो इसीलिए इसको क्या सैंड ग्लास कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो कंटेमिनेशन आप क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इस अर्थ के ऊपर अगर बात करें तो 78% आपकी नाइट्रोजन होती है, 21% आपकी ऑक्सीजन होती है और देन अदर गैसेस रहती है। लेकिन अर्थ की सरफेस के ऊपर जब हम बात करते हैं सिलिका ऑक्साइड की, तो इसमें क्रिस्टल के रूप में प्रेजेंट होती है, जिसमें 80 से 90% तक सिलिका पाई जाती है, जिसका फार्मूला ऐसा ही होता है, और सिलिका ऑक्साइड ऐसा ही बोर्ड भी होता है, ठीक, जो सैंड की फॉर्म में आपकी यूज होती है, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कैंसर का अध्ययन किसमें किया जाए। एकोनोलॉजी, एकोनोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसके अंतर्गत हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। सबसे बड़ा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ, भटिंडा, जहाँ पे क्या, पंजाब के अंदर। जब हम बात करते हैं कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जी हिमाचल, आप क्या क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर के भी इसका बहुत बड़ा क्या है, रिसर्च सेंटर डेवलप किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तब बात एंक्रीनोलॉजी की जब बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक जगह सेल का क्या हो जाता है, इकट्ठा होना, वही क्या हो जाता है, कैंसर की रूप ले लेती है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो गांठ की तरह हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। ये शरीर में कहीं भी क्या हो सकती है, बर्न हो सकती है, ठीक। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो महिलाओं के अंदर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक, जिसको बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, इसका जो अध्ययन करते हैं इसको एंकेनोलॉजी कहते हैं। कोबाल्ट 60 का यूज करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, किरणें से उसको क्या करते हैं, जलाते हैं, जो हमारा ट्यूमर होता है। जब ट्यूमर की फॉर्म में पहुंच जाता है कैंसर, जब सेल का होता है कलेक्शन हो जाता है, ब्लड की क्या होती है सर्कुलेशन, वो काट करके वो भाग उतना क्या किया निकाल दिया जाता है, ठीक। जब लास्ट पोजीशन पे रहता है तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ध्वनि तरंगे होती हैं, ये अंदर्क तरंगे होती हैं। अंदर्क तरंगों की खासियत क्या होती है, क्योंकि लाइट की जो साउंड की स्पीड होती है 320 मीटर पर सेकेंड, जिस हम ध्वनि को सुन सकते हैं वो ऑडिबल साउंड होता है, जैसे 80 डेसिबल तक हम उन्हें क्या सुन सकते हैं। जैसे आप ऑर्केस्ट्रा के साउंड या उससे ज़्यादा साउंड को आप नहीं सुन सकते, उसका कारण क्या है, जैसे आप 80 डेसिबल के ऊपर होंगे वैसे आप कान की जो सुनने की इंटेंसिटी हो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। जैसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हैं, इसको अंदर तरंगे कहती हैं, ये हमेशा किस डायरेक्शन में मोशन करती हैं और किस सिचुएशन से मोशन करती हैं, ठीक, ये आपका जानना है। जैसे कि अगर जो तरंगों के गति की बात करें, तो जैसे हम यहाँ से मुँह से बोल रहे हैं तो हमारे मुँह से क्या एनर्जी निकल रही है तरंगों के रूप में, तो आप पर्दे पर बोलिए तो पर्दा क्या कंपन करने लगता है, मतलब क्या हमारे बोलने के अंदर भी क्या है एनर्जी है, वो साउंड के रूप में होती है और उसकी वजह से प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है इसके अंदर। विद ड्यूरिंग द फ्लक्चुएशन इफ आर गिविन द एनर्जी प्रोड्यूसिंग विद द हेल्प ऑफ द साउंड, ठीक है, जिस हिसाब से। तो वो तरंगे चलती हैं किस रूप में चलती हैं, अंदर्क तरंगों के रूप में चलती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोथाम्बिन कहाँ बनता है, ये लीवर के अंदर बनता है, जिसमें अंदर क्या होता है विटामिन ए होता है, जो लीवर के अंदर होता है, जैसे विटामिन ए के लिए जो मेन कंटेंट होते हैं वो आपका गाजर हो गया, और फिर साइड से आप कौन सी स्किन करके विटामिन ए गेन कर सकते हैं। प्रोथाम्बिन कहाँ से बनता है, एक टाइप का हार्मोन्स होता है जो हमारे किसके अंदर, लीवर के अंदर बनता है। स्पंजों का अध्ययन जो किया जाता है वो क्या पायरोलॉजी के अंदर किया जाता है, जैसे पंजे वगैरह ये जो अध्ययन किया जाता है वो पायरोलॉजी के अंदर, जैसे किसी भी एनिमल और किसी भी बर्ड्स के जो हम क्या पंजे वगैरह देखते हैं पायरोलॉजी के अंतर्गत, उससे हम आइडिया लगाते हैं कि कौन सा एनिमल है या कौन सा बर्ड्स है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पूछा गया था सागौन का वनस्पतिक नाम क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस से सागौन का एक पौधा होता है, इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस।
तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि सागौन के पौधे का साइंटिफिक नेम क्या है, तो टेक्टोना ग्रैंडिस है। कांच का गहरा नीला रंग किस पदार्थ के लिए उत्तरदायी होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट का जो सूत्र की बात करें तो कोबाल्ट का सी हो जाता है, ऑक्साइड बोले तो O2 CO2। तो कोबाल्ट के अंदर जब बात करते हैं तो गहरा नीला रंग होने का कारण ये कि जो ब्लू कलर होता है उसकी इंटेंसिटी अपनी एक तीव्रता होती है, ठीक। वैसे हम देखें स्पेक्ट्रम के अंदर तो कांच का गहरा नीला रंग किसकी वजह से, कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से। सीधा से सीधा क्वेश्चन बनता है। TNT का रासायनिक नाम क्या है, TNT का अगर जो बात T फॉर ट्राई तो क्या है, NN फॉर नाइट्रो और T फॉर क्या है टार्गेट, ट्राई नाइट्रो टार्गेट। ये TNT है, ये TNG है, ये डायनामाइट। ऐसा विस्फोटक के रूप में हम इसका यूज करते हैं, जो हम विस्फोटक सामग्री बनाते हैं उसके लिए हम इसी रासायनिक पदार्थ या केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नाइट्रिक अम्ल की प्रकट स्रोत है सोरा या फिटकरी। अब बात करते हैं फिटकरी, जिसको पोटास एलम बोलते हैं। फिटकरी का जो साइंटिफिक सूत्र होता है K2SO4, K2SO4 Al2SO4 का होल फ्राइज इंटू 24H2O। ये आपका किसका फार्मूला होता है, फिटकरी का। अब फिटकरी का यूज कहाँ करते हैं, अगर रक्त की आप खून स्राव हो रहा है या रक्त स्राव हो रहा है, ब्लड क्या हो रहा है फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे आप इसका फिटकरी का यूज कर सकते हो, या प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका हम फिटकरी का यूज कर सकते हैं। जहाँ पर वाटर का जो होता है मॉलिक्यूल्स वो 24H2O, मतलब हाइड्रोजन के टोटल 24×2 मतलब 48 हाइड्रोजन के हो जाते हैं और बाकी देन ऑक्सीजन के 24 हो जाते हैं। तो इसका फार्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल फ्राइज इंटू 24H2O, इसको हम पोटास एलम भी बोलते हैं, इसको फिटकरी बोलते हैं। तो आप वहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। समुद्री जल का जो पीएच मान होता है 8.4 होता है, क्योंकि एक क्षारीय होता है, बेस होता है। अब ये पीएच एक पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, ये दिखाता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन की कितनी कंसंट्रेशन है। जैसे जल के अंदर वाटर का अगर जो हम बात करते हैं तो उसका फार्मूला आपका H2O हो जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या कंबाइंड कॉम्बिनेशन होता है, जो आपका क्या है एक यौगिक है, जिसको हम कंपाउंड बोलते हैं, ठीक। बात करते हैं तो हाइड्रोजन का आपने एक लिया तो देन ऑक्सीजन का लिया, फिर आपको क्या किया जहाँ पर 8.4 होता है, ये आपकी क्या होती है पीएच वैल्यू होती है, एक स्केल होती है जिसके थ्रू हम ये बताते हैं कि उसके अंदर कितना क्या है पोटेंशियल ऑफ, ये आपका एसिड है या आपका बेस है। जैसे एसिड के अंदर जब बात करते हैं तो आपका नाइट्रिक एसिड होता है, जिसका फार्मूला HNO3 हो गया। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं H2SO4 हो गया। ये दो आपके मेन हो गए जो आपके, और नाइट्रिक एसिड होता है जो आपके नॉर्मली क्या प्रयोगशाला में भी यूज होते हैं जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, उसमें सबसे ज़्यादा आप HCl यूज करते हो, चाहे वो आयोनाइजेशन में आप HCl का यूज करते हो, चाहे अदर पर्पज के लिए। तो इसलिए ये तीन जो है आपके क्या है ब्रह्मास्त्र है। इसलिए इसके बाद जब हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं NaOH, जिसको हम क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला क्या था NaOH होता है। तो दोस्तों ये आपकी वीडियो थी किसके ऊपर, इंजीनियरिंग अंतिम क्लासेस की, रेलवे के एग्जाम के ऊपर, जो आने वाले रेलवे एग्जाम NTPC और ग्रुप डी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें GS जो है जो आपकी आती है जनरल साइंस 30 मार्क्स की आती है, वो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं टॉपिक से। तो क्वेश्चन के थ्रू ही हम डिस्कशन करेंगे कि आप किस किस टाइप से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, बाकी बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से आप अपना प्यार हमारे चैनल और आपके अपने चैनल ER.Gantesh क्लासेस को बनाए रखिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। अगर कोई भी गलती होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका हम आंसर जरूर देंगे, रिप्लाई करेंगे। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।